अगर किसी हैवान को देखना है तो कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी करने वाले दरिंदे को देख लीजिए। इस दरिंदे के अंदर इतनी हैवानियत भरी थी कि उस महिला के मृत पड़े शरीर को तक कोई देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसे इस दरिंदे ने शराब के नशे में गिद्ध की तरह नोचा था और जब तक वो बेजान नहीं हो गई उसे तड़पाता रहा, उसका रेप करता रहा, लेकिन अब इस दरिंदे को सजा देने का वक्त आ गया है। कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में जिस रात महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत हुई उस दिन आरोपी संजय रॉय ने रात के करीब 11 बजे अस्पताल के पीछे शराब पी। शराब पीते वक्त वह अश्लील वीडियो देख रहा था और वह पहली बार ऐसा नहीं कर रहा था। उसे ऐसी गंदी हरकतों की लत पड़ी हुई थी और उसकी इसी हैवानियत के कारण उसकी 3 पत्नियां उससे जान बचाकर भाग चुकी थी और चौथी कैंसर के कारण मरी थी। पुलिस को जब उसका मोबाइल फोन मिला तो उसमें कई अश्लील वीडियो थे। मोबाइल लगभग पूरा इसी से भरा हुआ था। और फिर जब उस रात सेमिनार हॉल में पीछे के दरवाजे से वो घुसा तो उसने इस हरकत को अंजाम दिया। उस हॉल में केवल प्रवेश के लिए 2 दरवाजे थे, एक दरवाजा बंद था और पीछे वाला दरवाजा ही खुला था और जाहिर सी बात है इसी दरवाजे से वो अंदर आया होगा। महिला ट्रेनी डॉक्टर इन दिनों नाइट ड्यूटी पर थी। वो रात में खाना खाने के बाद सोने के लिए हॉल में गई। शायद हो सकता है वो अक्सर इसी हॉल में सोने के लिए जाती हो, तभी तो इस कातिल को पता था कि महिला डॉक्टर वहां आती है और वो शायद इसकी रेकी कर रहा था। इसके बाद जब महिला डॉक्टर गहरी नींद में थी तो सुबह 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच में इस दरिंदे ने उसे अपना शिकार बना लिया। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि घटनास्थल से ऐसे सबूत भी मिले हैं जिससे संकेत मिलता है कि पहले महिला डॉक्टर की हत्या की गई फिर उसका बलात्कार किया गया, जिसके बाद अब इस हैवान पर कई और सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। इस हैवान ने महिला डॉक्टर को पहले गिद्ध की तरह नोचा, उसका रेप किया, उसका बाद में उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। फिर जब पुलिस घटनास्थल पर जांच करने पहुंची तो पुलिस को एक ब्लूटूथ मिला। पुलिस ने इसे कई लोगों के फोन से कनेक्ट करने की कोशिश की लेकिन वो ब्लूटूथ सिर्फ आरोपी के फोन से ही कनेक्ट हुआ। फिर उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही सीसीटीवी फुटेज में भी वो रात के करीब 4 बजे यानी सुबह तड़के 4 बजे सेमिनार हॉल में जाता दिखा था और करीब 5 बजे वहां से बाहर आता भी दिखा था। अब पूरा देश इस बेटी के इंसाफ के लिए सड़कों पर उतरा हुआ है। लोग इस केस की सीबीआई जांच की मांग के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखना होगा कि ममता सरकार क्या इस बेटी को इंसाफ दे पाती है या नहीं। देखते रहिए इंडिया.com।